राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और संयुक्त रूप से सिल्वर देने की मांग की है। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेन दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी कि मैं मेडल से चूक गई, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा था कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।